लेकिन देखिए अब आडवाणी जी खुद आ रहे हैं, तो ये वो लोग भी बोलते थे जो सनातनी हैं, जो धर्म की पताका लहराते हैं, जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार में लग जाते हैं, जो सनातन को लेकर हमेशा सपोर्टिव रहते हैं, वो भी कह रहे थे कि आडवाणी जी को बुलाना चाहिए। उनके लिए तो सुखद एहसास है, जो आडवाणी की योगदान को सराह रहे थे कि आडवाणी जी को भी बुलाना चाहिए, उनके लिए तो एक सुखद पल है। लेकिन वो जो एजेंडा धारी थे, जो नरेंद्र मोदी को घेरने का काम कर रहे थे सनातनियों के बीच, नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे थे, उनके ही सोच पर अब बट्टा लगता नजर आ रहा है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय सियाराम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर बात करने वाले हैं श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा के दिन निकट आ रहे हैं, हरिहर खैराती और पेड़ के लात खाए और लोगों के दिलों में दर्द कि जो समय सीमा है और ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये लेफ्ट लिबरल सेकुलर लिबरांडू खैराती जो कहते हैं कि जिन्होंने राम मंदिर को लेकर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, जिन्होंने राम मंदिर के मूवमेंट को एक आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया, जिन्होंने आंदोलन का मशाल जलाकर श्री राम लला के मंदिर को लेकर उन्होंने उस भारत में जब सेकुलरिज्म लोगों की जुबान पर हुआ करता था, पान मसाले की तरह चूर्ण की तरह लोगों के जुबान पर चपसा हुआ करता था, जहां राम का नाम लेना बहुतों को लगता था कि ये सेकुलरिज्म पर कटाक्ष है, ये सेकुलरिज्म को डेंट करने वाली बात है। उस जमाने में जिन्होंने रामलला को, राम को, श्री राम को घर घर तक वो सर्वमान्य कर दिया, अपने मूवमेंट को लेकर लोग कहने लग गए कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उस शख्स को नरेंद्र मोदी ने अपने आभा मंडल में ढक लिया है, उन्हें बुला दिया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाजपा के वयोवृद्ध नेता, पूर्व गृह मंत्री, हम बात कर रहे हैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी का, जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को भुला दिया है। जो लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी का जो कारगुजारी था, उनका जो मंदिर के लिए अहम योगदान था, उसको नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से गिव अप कर दिया है। लेकिन ये जो बातें लेफ्ट लिबरल सेकुलर खरिहर लोग कह रहे हैं, वो सारे बातें निराधार है, उनका कोई भी किसी भी तरह का उसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि अब खुद आडवाणी जी ने इन बातों को गलत साबित कर दिया है। नरेंद्र मोदी को भगवान श्री राम ने ही चुना है, और प्राण प्रतिष्ठा से पहले खुद आडवाणी ने कहा कि नियति ने तय कर लिया था अयोध्या में राम मंदिर। जी हाँ, बिना नियति के, बिना ऊपर वाले के, बिना भगवान के डुलाए कुछ चलता नहीं है, बिना भगवान के किए कुछ होता नहीं है। मतलब नियति ने चाह लिया था कि जो 500 वर्षों का सतत संघर्ष है, जो 500 वर्षों का एक विछोह है, जो भगवान श्री राम का वनवास तो चौ में श्री राम लला के मंदिर, जिस जहां पर उनका खुद जन्म हुआ, जिस अयोध्या की हम बात करते हैं, श्री राम लला के नाम से जानते हैं, उस अयोध्या में हमारे श्री राम के मंदिर का स्थापित करने में, इस भारतवर्ष में, इस हिंदुओं के देश में, सनातनियों के देश में, जहां से सनातन की गंगा निकली, वहां पर राम को बनाना, राम के मंदिर को बनाना, अब वहां पर टेढ़ी खीर हो गई थी। इन सनातनियों को, अपने श्री राम लला को, अपने प्रभु को बसाने के लिए, उनके मंदिर को जीर्णोद्धार करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। चलिए ठीक है, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है,
सभी को न्यायालय में जाने का अधिकार है, सभी को न्यायालय में अपनी बातों को रखने का अधिकार है, मगर उन सनातनियों को जिनकी धरती उनकी वसुंधरा हिंदुस्तान है उनको लड़ना पड़े। ये समझ लीजिए कि तुष्टिकरण और सेक्युलरिज्म का क्या नायाब नमूना हमारे हिंदुस्तान में प्रस्तुत किया गया था। राम मंदिर को जन आंदोलन में परिवर्तित करने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा है कि रथ यात्रा के समय उन्हें एहसास हो गया था कि नियति ने तय कर दिया है कि अयोध्या में राम मंदिर ही बनेगा। उन्होंने खुद को सारथी बताया, साथ ही राम मंदिर का सुख एक क्षण लाने को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी है। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आडवाणी भी मौजूद रहेंगे। वो लोग जो कहते थे कि आडवाणी को नहीं पूछा जा रहा है, नरेंद्र मोदी एक छतनार बरगद का वृक्ष हो गए हैं, जब वो पनप जाते हैं, जब वो उभर जाते हैं तो उनके आसपास जो रहने वाले छोटे जो वनस्पति होते हैं उपज नहीं पाते हैं, पूरे मोदी साहब ने आडवाणी की कारगुजारी थी, आडवाणी का जो मंदिर के लिए उनका जो योगदान था उसे पूरी तरह से उन्होंने डिटर्जेंट की तरह धो दिया है, सारी बातें भुला गए हैं। उनकी कारगुजारी को नरेंद्र मोदी ने उस पर चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन देखिए अब आडवाणी जी खुद आ रहे हैं। तो ये वो लोग भी बोलते थे जो सनातनी हैं, जो धर्म की पताका लहराते हैं, जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार में लग जाते हैं, जो सनातन को लेकर हमेशा सपोर्टिव रहते हैं, वो भी कह रहे थे कि आडवाणी जी को बुलाना चाहिए। उनके लिए तो सुखद एहसास है, जो आडवाणी की योगदान को सराह रहे थे कि आडवाणी जी को भी बुलाना चाहिए, उनके लिए तो एक सुखद पल है। लेकिन वो जो एजेंडा धारी थे, जो नरेंद्र मोदी को घेरने का काम कर रहे थे, सनातनियों के बीच नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे थे, उनके ही सोच पर अब बट्टा लगता नजर आ रहा है। हम आपको बताते चले कि लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर सन 1990 को गुजरात के सोमनाथ से अपनी रथ यात्रा की शुरुआत की थी। इस रथ यात्रा के संयोजक उस समय नरेंद्र मोदी ही थे। ये यात्रा 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के साथ समाप्त हुई थी। कहा जाता है कि जब विवादित ढांचा टूटा था उस समय लाल कृष्ण आडवाणी अयोध्या में ही थे। आवाज आडवाणी जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को भगवान श्री राम नहीं चुना, प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो बोल रहे हैं आडवाणी, कहा है कि नीति ने तय कर लिया था कि अयोध्या में मंदिर बनेगा। भाई अयोध्या में तो मंदिर बनना तो नीति के ही तो हिसाब से ही हो रहा है, बिना ऊपर वाले के चाहे तो कुछ होता ही नहीं। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री आडवाणी ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि भगवान सभी भारतीयों को भगवान राम के गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा उस समय जब उन्होंने यात्रा शुरू की थी सितंबर सन 1990 में यात्रा शुरू करने के कुछ दिन बाद, मुझे लगा कि नीति ने तय कर लिया था कि एक दिन अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बनाया जाएगा, अब ये केवल समय की बात है। समय उपयुक्त आएगा, समय आएगा तो श्री राम लला का मंदिर जो है वहां पर जरूर खड़ा होगा। राष्ट्रधर्म नाम की एक पत्रिका से बात करते हुए लाल कृष्ण आडवाणी ने आगे कहा है कि और रथ यात्रा शुरू होने कुछ दिनों बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ एक सारथी था, मुख्य संदेश तो यात्रा ही था, वो रथ पूजा के योग्य था क्योंकि यह भगवान राम के जन्म स्थान पर जा रहा था। उन्होंने रथ यात्रा को अपने राजनीतिक करियर की सबसे निर्णायक और परिवर्तनकारी घटना भी बताया है। आडवाणी ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि यह रथ यात्रा जन आंदोलन का शकल ले लेगी, इसे खुद को खोजने का एक मौका बताते उन्होंने कहा, यात्रा के दौरान कई अनुभव हुए जिन्होंने मेरे जीवन को प्रभावित किया, दूर दराज के गांवों से ग्रामीण मेरे पास आते थे, रथ देखकर भावना से अभिभूत होते थे, वे नमस्कार करते थे, राम का जाप करते थे और चले जाते थे। ये एक संदेश था कि जिस राम को एक काल्पनिक स्रोत बताने वाले, जिस राम को एक कल्पना कहने वाले, जिस राम को लोग एफिडेविट तक न्यायालय में दे दिए कि राम एक कल्पना स्रोत है, उस राम को अब दिल में छुपाए सनातनी कैसे 50 साल 70 साल से वो जी खा रहे थे, वो कैसे रह रहे थे, जो लोग राम को नाम लेने में उन्हें लगता था कि सेकुलरिज्म को हानि हो रही है, वो लोग भले ही सरकार की भावनाओं को देखते हुए, सरकार जो सेकुलरिज्म का ऐसा ढिढोरा पीटती थी कि राम नाम एक अपराध था, सेकुलरिज्म को जिंदा रखने के लिए राम नाम नहीं लेना है, लेकिन जनता के मन में राम कैसे जीवन थे ये सब बातें आडवाणी जी बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए आडवाणी ने कहा कि भगवान राम अपने मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए नरेंद्र मोदी के रूप में अपना भक्त चुना है, जिनकी देखरेख में मंदिर की इमारत बन रही है। उन्होंने कहा अब जब पीएम मोदी
मंदिर का अभिषेक करेंगे तो वो भारत के प्रत्येक नागरिक का प्रतिनिधित्व करेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी ये सारी बातें राष्ट्रधर्म नाम की एक मासिक पत्रिका से बातचीत में बातें कही हैं। श्री राम मंदिर एक दिव्य स्वप्न की पूर्ति है नाम से लेख 15 जनवरी 2024 को प्रकाशित होगा। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने पिछले दिनों कहा था कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में लाल कृष्ण आडवाणी शामिल रहेंगे। अब लाल कृष्ण आडवाणी का शामिल होना बहुतों को अथक पीड़ा दे सकती है, बहुतों को अथक दर्द दे सकता है, जो लाल कृष्ण आडवाणी जी के नाम पर अपना एजेंडा फलीभूत करने की कोशिश में थे, जो राम आडवाणी के नाम पर अपने एजेंडा को निखारने की कोशिश में थे, कहीं ना कहीं उनके एजेंडा का आडवाणी जी की आने से वो ध्वस्तीकरण होता नजर आ रहा है। जिस प्रकार 1992 में एक विवादित ढांचा का ध्वस्तीकरण हो गया, उस समय आडवाणी मौजूद थे, अब रामलला जी की स्थापना में आडवाणी जी मौजूद रहेंगे तो इनके एजेंडे का भी इसी तरह का ध्वस्तीकरण होता नजर आएगा। कईयों को नरेंद्र मोदी से बहुत पीड़ा है, कहते हैं कि राम मंदिर बनने से रोजगार मिल जाएगा, ये हो जाएगा, फला हो जाएगा, फला हो जाएगा। उन्हें मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जाइए जो बना हुआ है, वहां आसपास देखिए, और काशी में जो हमारे सनातनी जो पर्यटक आ रहे हैं, वो पर्यटक आने से काशी की पर्यटन में कितना ज्यादा उछाल आया है, ये बातें भी तो देखिए। अयोध्या में जो भव्य एयरपोर्ट बने हैं, भव्य रेलवे स्टेशन बना है, वहां के जो दिन बहुर रहे हैं, दिन में बदलाव हो रहा है, वहां पे जो पर्यटक टकटकी लगाए हैं कि कब हमें मिले, कब सरकार की तरफ से फरमान आए और कब वहां पर खोला जाए आम नागरिक के लिए, वो भी अपने रामलला के दर्शन करे, ये सब चीजें बदलाव की रूपरेखा है, सब बदलाव की कहानी है जो यहाँ पर सतत जारी दिख रही है। नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में मैं कहूँ तो हमारे धार्मिक जो क्षेत्र है, हमारे धार्मिक जो मंदिर है या धार्मिक जो हम बात करें जो स्थान है, वहां पर कैसे अमूलचूल परिवर्तन आया है उसका उदाहरण आप देख ही सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वैष्णो देवी जाने के लिए मोदी जी ने कितना सुलभ कर दिया, रेलवे स्टेशन तक बन गए, माँ वैष्णो रेलवे स्टेशन बन गया, जहां तक जाना ट्रेन का जल्दी जाना मुश्किल हुआ करता था, वहां के रास्ते कितने सुलभ हो गए नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, चार धामों की यात्रा कितनी सुलभ कर दी गई। सही है कि ये पर्यटन है, दो धंधे हैं, लेकिन इनके साथ साथ मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जाते जाते पर्यटन के साथ साथ हमारे जो धार्मिक अनुष्ठान है, हमारे धार्मिक केंद्र है, हमारे धार्मिक जो धाम है, कम से कम उनके धार्मिकता को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लोग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन जगहों को पर्यटन के तौर पर विकसित तो कर देते हैं, लेकिन हमारे लोगों की जो मानसिकता है वो पर्यटन का किस प्रकार दोहन करते हैं, वो पर्यटन की खूबसूरती को वो कूड़े फेंक कर उसे गंदगी कर देते हैं। कहीं ना कहीं भी हमारे देश के जो महामहिम है, हमारे देश के जो कर्णधार है, उनको सोचना चाहिए, सिर्फ पर्यटन को विकसित करने से नहीं होगा, हमारे देश के जो नागरिक हैं, जो आम जनमानस है, उनको ये समझना होगा कि जो चीज खूबसूरत है कम से उसे गंदा ना करे। स्वच्छता अभियान की बात की जाती है, स्वच्छता सर्वेक्षण भी होता है कि कौन सा जिला बहुत साफ रहा, फलाना था, ढिमकाना था, वो तमाम तरह की बातें होती इस तरह, लेकिन उन्हें कम से कम अपना घर द्वार द्वार छोड़कर आप कहीं जाते हैं, किसी राज्य में जाते हैं, किसी पर्यटन क्षेत्र में जाते हैं, कम से कम वहां की भी स्वच्छता का ध्यान तो पर्यटकों को रखना ही चाहिए। बहरहाल आडवाणी ने ऐसा कहकर कईयों के मनसूबे पर पानी फेर दिया है। और रही बात, सेक्युलर लेफ्ट लिबरल कहते थे कि शंकराचार्य कहते हैं कि वो तो नहीं जाएंगे, मंदिर अधूरा है, मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हुआ है, मंदिर पूरा तैयार नहीं है, अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहिए। ये कुछ कांग्रेसी हैं जो बोल रहे हैं, कुछ लेफ्ट लिबरल सेकुलर हैं, जिन्होंने कभी मंदिर नहीं गए, जो कभी मंदिर को मानते ही नहीं, जो मंदिर से कभी दिल लगाते ही नहीं, ना जाने किस जमाने में मंदिर गए होंगे लेफ्ट लिबरल सेकुलर लिबरांडू, और वो जो कह रहे हैं कि मंदिरों का अधूरे मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं होता है, भैया गर्भगृह तो निर्माण हो गया है, इसमें भगवान को बैठाया जा सकता है, इसमें भगवान की मूर्ति की स्थापना हो रही है, तो भाई उनको समस्या किस बात की है, उनको दर्द किस बात का है, किस बात के दर्द की रूपरेखा यहाँ पर वो प्रदर्शित करते नजर आ रहे हैं, मुझे ये सब चीज समझ भी नहीं आ रहा। ये मंदिर की स्थापना उनकी जो भावनाएं हैं, उनका जो सोच है, उनकी वोट बैंक की राजनीति है, उनका वोट बैंक जिसको साधने की कोशिश 2024 के आम चुनाव में करने की कोशिशें कर रहे हैं, वो उसका राम मंदिर की स्थापना से द एंड होता नजर आ रहा है। ये राम भक्ति नहीं है, ये एजेंडा की शक्ति है जिसे वो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात
शंकराचार्यों की, भैया दो शंकराचार्य तो मोदी के सपोर्ट में ऐसे ही आ गए, बाकी ये क्या है वो जाने, वो कितने समसामायिक हैं, कितने कंटेम्प्रेरी हैं आज के दौर में, ये तो पूरी दुनिया जानती ही है। तो दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं। दोस्तों आपसे गुजारिश से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन का रेड बटन जरूर दबाएं। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं। अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो आप हमें फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या जादुई नंबर से सहयोग करके आप हमारी पत्रकारिता को भी बल दे सकते हैं। तो फिर हाजिर होंगे, नमस्कार, जय सियाराम, वंदे मातरम। अगर आप हमारी नहीं सुनते हैं तो आप इनकी जरूर सुनिएगा।